असलम वेलकम टू टेक्निकल शिजा मेरा नाम है सोनिया और आज की जो हमारी क्लास है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको गाइड करूंगी uh, प्लस ये कि कस्टमाइजेशन चैनल की होगी चैनल की कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है अच्छा एक तो ये कि सीदा -सीदा जो है, है ना नहीं नहीं ये बहुत सीधा है दरअसल ये बात होती है की की कीबोर्ड के ऊपर जब तक आप देखो जब आपने एट लगाना होता है तो आप हमेशा ये है कि कैप्स प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो है वो एट ओपन होता है ऐसे ही है तो अगर आप जो कीवर्ड के ऊपर सीधे सीधे लव्स लिखे हुए हैं ना आप वो लगा देते तो वो हैकर के लिए इजी है हैक है करना जबकि अगर आप एट लगाते हो या छोटे और बड़े लफ्ज एक साथ लिखते हो तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे हैक हो जाती है आईडीज तो एक तो ये हो गया दूसरी चीज ये होगी कि आपने अटेंटिव होके बैठना है क्लास के अंदर आपने मुझे प्रॉपर जवाब देना है प्रॉपर वैसे सवाल पूछने हैं दूसरा ये कि जो चीज़ें मैं आपको बोलूँ ना आपने उनको लाजमी फॉलो करना है शायद अभी के लिए आपको ऐसा लगे कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है या आपको अपने माइंड से ऐसा लगे कि जैसे पासवर्ड की बात है कि ये पासवर्ड काफी मुश्किल है लेकिन जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ या जो मे मेरे बैक ऑफ द माइंड नॉलेज है मेरे पास उस लिहाज से ये बहुत ज्यादा इजी पासवर्ड है एज फॉर हैकर उसने बस एक मशीन लगानी होती है और उसके साथ ही उसको जो है ना नंबर टाइप होके नजर आ जाते हैं कि ये ये नंबर लगाए इन्होंने और ये एक कैपिटल लेटर है और बाकी सारे स्मॉल लेटर लिखकर इन्होंने अपना पासवर्ड बनाया हुआ है तो वो बड़े इजीली ऐसे चुटकियों में हैक हो जाता है तो अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे ना तो कोर्स करने का रियल जो फायदा होगा ना वैसे तो होगा फायदा लेकिन जो एक्चुअल में फायदा होता है ना वो मिस कर जाओगे आप क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो और सौ जगह से आपको मिल जाएंगी लेकिन जो उनके मेन पॉइंट्स होते हैं ना छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये आपने उनको मिस नहीं करना ये ये सोच ये सोच के नहीं छोड़ देना कि नहीं चलो ये तो छो, छोटी बात है इसको छोड़ देता हूं। अच्छा अब हम आते हैं चैनल की कस्टमाइजेशन पे जी चैनल की कस्टमाइजेशन क्या होती है बेसिकली <clears throat> क्यों की जाती है इसका मेन रीजन क्या होता है इसको करने का और ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके चैनल के लिए वो भी मैं आपको बता दूं अच्छा YouTube पर रहने के साथ साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और लोग उनको इग्नोर कर जाते हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती और लोग उनको पकड़ के बैठ जाते हैं अब क्या है कि कस्टमाइजेशन uh, का पहले मैं आपको समझा देती हूँ हम मिसाल ले लेते हैं एक दाल की अगर एक नॉर्मल सी पकने वाली दाल की बात की जाए जो कि हम सबके घरों में रेस्टोरेंट्स में और अमूमन हर जगह पे मौजूद होती है तो एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर काफी ज्यादा लाइटिंग अच्छी हो जहाँ की कस्टमाइजेशन अच्छी हो जहां पे चेयर टेबल वगैरह सब कुछ अच्छा हो वहां पर जाके अगर आप सेम दाल खाओगे तो वो आपको एक हजार की पड़ेगी जबकि वही दाल सेम आप किसी ढाबे में जाके टूटी हुई चारपाई पे बैठ के और एक टूटे हुए से या अजीबो गरीब प्याले में खाओगे तो वही दाल आपको सो डेढ़ सौ की पड़ जाएगी तो ये होता है कस्टमाइजेशन का फर्क इसलिए YouTube की कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे वो आपका थंबनेल हो चाहे वो आपकी वीडियो हो चाहे वो आपके चैनल के हैश टैग हो आ, या चैनल के सॉरी चाहे वो चा, आपके चैनल के टैग्स वगैरह हो या आपके चैनल की एसओज हो सब कुछ जब तक आप फोकस्ड रह के नहीं करोगे और अच्छे तरीके से नहीं सीखोगे तब तक आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर सकते कि अगर तो आपके लिए वक्त इम्पॉर्टेंट है तो पैसे लगा के इसको कहीं से बनवा लो और अगर आपके लिए पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वक्त लगा के इसको बना लो लेकिन एक बार जो बना लोगे ना कम अज इस कम उसको एक से दो साल चलाओ ये नहीं की हर छह महीने बाद चेंज करे ऐसे फजूल टाइम नहीं वेस्ट करना इसके ऊपर लेकिन एक ही बनानी है अच्छी बनानी है यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं जब भी हम YouTube का चैनल बनाते हैं तो उस हमें क्रिएट चैनल के ऊपर जो है ये ऑप्शन नजर आते हैं तो सबसे पहले क्या ऑप्शन आता है हमारे पास डीपी का आपकी जो डीपी होती है वो आपके चैनल की पहचान होती है क्योंकि इसने आपके थंबनेल के ऊपर भी लगना होता है जब भी लोग आपके चैनल पर आते हैं तो उनको आपकी डीपी याद रहती है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो आप चाहे तो हमारे पास से ये डीपी बनवा सकते हैं नेक्स्ट हमारा नाम आ जाता है नाम जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पहचान होती है आपको बहुत सोच समझ के अपना नाम रखना होता है सेकेंड चीज होती है हमारा हैंडल हैंडल भी बेहद जरूरी होता है हैंडल जैसे कि आईडी कार्ड का मैंने आपको बताया था आईडी कार्ड में एक ही नंबर होता है सबके पास वैसे ही हैंडल पूरी दुनिया में एक ही होता है वो दो तीन चार नहीं हो सकते कोई भी अगर कोई भी आपका एट हैंडल लगाएगा जैसे कि एट टेक्निकल चीजा लिखेगा तो उसको सबसे पहले मेरा ही चैनल शो होगा किसी और का चैनल उसको कभी भी शो नहीं होगा जब भी आप अपना हैंडल या चैनल नेम सर्च करने जाओ तो उससे पहले क्या करो कि आप यूट्यूब के ऊपर आओ यूट्यूब के ऊपर जो भी आप नाम रखने वाले हो उसको आके लिखो फिल्टर करो फिल्टर करके चैनल को सिलेक्ट करो उस नाम के जितने भी चैनल होंगे आपके सामने शो हो जाएंगे इसके पीछे का साइंस क्या है दरअसल आपको करना ये है कि जिस नाम की भरमार होगी ना वो आपने नाम नहीं रखना है आपने कोई यूनिक सा नाम रखना है जिस के ऊपर ज्यादा चैनल ना हो अगर एक दो चैनल हो भी तो वो बहुत ज्यादा या तो फेमस ना हो या फिर उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा ना हो नॉर्मल सब्सक्राइबर वाला अगर चैनल है तो फिर आप रख सकते हो लेकिन अगर आपका कोई ऐसा नाम है जिसकी ढेरों ढेर भर मार लगी हुई है वो फिर आपको नहीं रखना चाहिए अब जबकि हमारा चैनल बन चुका है तो हम आई स्टूडियो तक एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जैसे ही आप आ जाओगे यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है जब एक बार आप वीडियोस डालने लगोगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शन शो हो जाएंगे जो कि नेक्स्ट हम जो है वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे जब हम वीडियो ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो जो ऑप्शन शो होंगे वो मैं आपको बता दूंगी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दू कि यहाँ जहां मैंने माउस रखा हुआ है इस जगह पर अगर कोई आपको बोर्निंग आती है तो वो यहाँ पर आके शो होती है तो इस टैब को तो हम जो है वो पेंडिंग रख देते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या टैब है वो है कॉन्टेंट कॉन्टेंट पर हम जब आ जाते हैं यहाँ पर तो कंटेंट में हमारे पास वीडियोस है वीडियो में आपको जो आपकी बड़ी वीडियो होगी जो कि ओरिजेंटल वीडियो वो शो होंगी देन आपकी शॉर्ट है जो कि आपकी वर्टिकल वीडियो है वो शो होंगी आपके लाइव है वो शो होंगे जरूरी नहीं है कि आप मोनिटाइजेशन से पैसा कमाओ आप अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जब आप अच्छा आ, काम कर रहे हो और <coughs> आपके सब्सक्राइबर आपको पसंद कर रहे हैं तो अपना जैस कैसे इजी पैसा का नंबर डाल सकते हो प्लस ये सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो नेक्स्ट ये की लाइव जो होती है उसके जरिए भी आप पैसे कमा सकते हो लाइव जब आप आते हो तो लोग आपको डॉलर भेज सकते हैं फिर आपकी प्ले लिस्ट होती है प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट के बहुत फायदे हैं प्ले लिस्ट के ऊपर मैं आपको दस से पंद्रह मिनट समझाने वाली हूँ और प्ले लिस्ट बनाना भी सिखाऊंगी देन हमारी पॉडकास्ट पॉडकास्ट होती है सेम एज लाइव ही है इसका इतना कोई डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है इसलिए उन्होंने इसका फोल्डर जो है वो चलो अलग बना दिया है या मैंने सुना था कि इन फ्यूचर ऑडियो पॉडकास्ट आएंगे जिसमें वीडियो कुछ भी नहीं होगा जस्ट ऑडियो होगा तो जो लोग सामने नहीं आते हैं मेरी तरह के लोग वो यहाँ पर आके पॉडकास्ट जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिना कॉपीराइट राइट कॉन्टेंट लगाए अपनी पॉडकास्ट पर देन है प्रोमोशन प्रमोशन Promotion में ये आता है कि अगर आपने यूट्यूब की अपनी जो है उनको प्रमोट करवाना है यूट्यूब के थ्रू तो आप यहाँ से करवा सकते हो लेकिन मैं ये रेकमेंड तब तक नहीं करती जब तक आपकी वीडियो के अंदर एक्चुअल में बहुत जबरदस्त कॉन्टेंट ना हो तब तक देन हमारे पास यहाँ पर एनालिटिक्स है एनालिटिक्स में बहुत कुछ आ जाता है मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो आपके कितने सब्सक्राइबर है कितना वॉच टाइम आपका हुआ है ये आपको शो कर देता है कितने व्यूज है वो बता देते है लेकिन एनालिटिक्स एक गेम चेंजर है एनालिटिक्स को अगर आप अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो आपको यूट्यूब पर बहुत जल्दी ग्रो मिल जाएगी वो भी बहुत अच्छी देन हमारे कमेंट्स आ जाते हैं कमेंट्स के बारे में मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि, कि कोई भी अगर आपको कमेंट करे तो उसको हार्ट दे दे और उसको थैंक यू बोल दे और हेट कमेंट्स जो होते हैं उनका रिप्लाई ना ही करें तो बेहतर है देन हमारे सब टाइटल आ जाते हैं न्यू चैनल के ऊपर मैं ये रेकमेंड नहीं करती कि आप सब टाइटल पर इतनी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो जब आपके हाथ पर यूट्यूब चढ़ जाए या जब आप यूट्यूब से यूज टू हो जाओ तो फिर आप सब टाइटल की तरफ आओ और सब टाइटल एक बहुत अच्छा जरिया है ऐसी ऑडियंस को कैच करने का जो कि आपकी लैंग्वेज नहीं समझती फिर आ जाता है हमारा कॉपीराइट कॉपीराइट में ये होता है कि आपने यहाँ पर जो है एक दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं तो अगर किसी ने आपकी वीडियो यूज की हो तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है आप उसको कॉपीराइट क्लेम भेज सकते हो और वो आपकी वीडियो पे जितने भी डॉलर कमाएगा वो फिर आपके एडसेंस के अंदर आ जाएंगे वो उसको नहीं जाएंगे नेक्स्ट हमारा अर्न का पेज आ जाता है अर्न के पेज में आके आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपकी कितने ज्यादा Uh, जो है वो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हो चुका है और यहाँ पर आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं है आप कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हो या नहीं करते और साथ ही साथ यहाँ पर आपने जब भी चैनल बनाना है तो ईमेल मी को लाजमी क्लिक कर देना है यहाँ से ही आप अपनी मोनिटाइजेशन को भी भेजते हो चैनल को मोनिटाइज करवाने के लिए अच्छा इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको शो करवाता है कि इतने भी आपके घंटे हो गए इतने शॉर्ट्स के व्यू हो गए तो या तो आपके दस मिलियन व्यू होने चाहिए आपके चार हजार घंटे होने चाहिए फिर ही जाकर आपका जो आ, है ना चैनल वो मोनिटाइज होता है सब्सक्राइबर आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपको आएंगे ही आएंगे अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो सब्सक्राइबर नहीं आएंगे देन हमारी आती है कस्टमाइजेशन ये हमारे चैनल के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो कस्टमाइजेशन में हम लोगों को क्या करना होता है सबसे पहले यहाँ पर है चैनल ट्रेलर या फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर इसका मैं आपको बड़ा आसान सा करके समझाती हूँ जब भी कोई बंदा आपके चैनल पर आता है अगर वो नया होता है तो उसको चैनल ट्रेलर शो होता है अगर वो पुराना होता है तो उसको ये वाली वीडियो शो होती है अब ये वाली वीडियो लगानी कहाँ से होती है यहाँ पर ऐड करके आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो दोनों दोनों वीडियोस के लिए ताकि कोई भी बंदा जिसने आपकी एक वीडियो देखी है वो आपके चैनल के ऊपर आया आप उसको बता सकते हो कि ये ये मेरा कॉन्टेंट है ये मैं काम करता हूँ ये सारी चीजें आप उसको बड़े इजिली ये समझा सकते हो सारी चीजें ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास फोर यू है फॉर यू पेज आप यहां से ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो इसका भी मैं आपको बड़ी इजीली समझा देती हूं। मिसाल के तौर पर मैं टेक की वीडियोस बनाती हूं। मेरा एक टॉपिक है यूट्यूब का और एक मैं जो प्रोडक्ट्स है उनको रिव्यू करती हूँ अच्छा अब जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ वो एक अलग कॉन्टेंट है और यूट्यूब एक अलग कॉन्टेंट है तो अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट के रिव्यू को देख मेरे चैनल पर आता है तो अगर ये मैंने फॉर यू ऑन किया होगा ना तो उसको जो नीचे वीडियो शो हो रही होंगी वो प्रोडक्ट के रिव्यू की ही शो होंगी फिर उसको यूट्यूब की वीडियो जो है, वो बाद में शो पहले शो नहीं होंगी तो ये एक फायदेमंद फीचर हो जाएगा आप चाहो तो ऑन कर लो चाहे तो इसको ऑफ कर लो नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर सेक्शन होता है यहाँ पर आप आके अपनी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर ऊपर रख लो लॉन्ग वीडियो ऊपर रख लो अगर नहीं चाहते कि शॉर्ट सबसे पहले आए तो शॉर्ट्स को नीचे ले आओ लॉन्ग को ऊपर ले जाओ यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वीडियो ऐड करनी है कोई प्लेलिस्ट ऐड करनी है वो कर सकते हो कोई चैनल ऐड करना है यहाँ पर वो ऐड कर सकते हो तो ये आपके जब भी कोई चैनल ओपन करेगा तो फर्स्ट पेज पर ये सारी चीजें शो होंगी देन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर ब्रांडिंग एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रांडिंग के अंदर आपका जो चैनल लोगो होता है वो लगता है चैनल का डीपी जो होती है वो लगती है चैनल आर्ट जो होता है वो लगता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इनशाला इन फ्यूचर आपको समझाऊंगी देन हमारे पास आ जाती है ऑडियो लाइब्रेरी ऑडियो लाइब्रेरी में यहाँ पर जितने भी सॉन्ग है डाउनलोड कर सकते हैं और इस आपको क्लेम नहीं आएगा फिर हम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं सेटिंग के अंदर ये जनरल सेटिंग है जनरल सेटिंग के अंदर आपको करेंसी जो है वो पाकिस्तानी नहीं सिलेक्ट करनी है क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है तो बहुत बेहतर रहता है कि आप यहाँ पर यूएस डॉलर जो है उसको ही सिलेक्ट करके रखो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कुछ लोग ना फ्रॉड करते हैं वो यहाँ पर एक तो होता है यूएस डॉलर एक और डॉलर होता है जिसकी पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो पाकिस्टानी एक रुपया होता है ना वो डॉलर पाकिस्तानी जो है वो शायद दस हजार का बनेगा और इसमें जो है पाकिस्तानी जब दो सौ तीन सौ बनेगा फिर इधर एक डॉलर यूएसडी डॉलर जो है ना वो बनेगा तो उससे जरा आपने ध्यान में रखना है काफी यूट्यूबर्स या काफी लोग <coughs> वो डॉलर सिलेक्ट करते हैं झूठा मूटा लोगों को बताते हैं कि जी हमने तो इतने डॉलर कमा लिए हमने उतने डॉलर कमा लिए तो उसका भी आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपका चैनल आपने चैनल की के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने अपने चैनल की अच्छे से एस कर लेनी है और फिर आपने एडवांस सेटिंग में आ जाना एडवांस सेटिंग में आकर यहाँ पर आपने कमेंट यहाँ पर बेसिकली जो है ना ये सेटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ इसका क्या होता है कि आपको आपके पास तीन ऑप्शन है यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किट आई ऑलवेज अपलोड कॉन्टेंट दैट मेड फॉर किट जो भी पोइम्स होती हैं जैसे कि लकड़ी की काटी होगी कोकोमेलन हो गया या बच्चों का कंटेंट हो गया जो बच्चों के लिए बनाया जाता है तो अगर वैसा आप कंटेंट बनाते हो तो आपको लाजिम है कि आप ये सिलेक्ट करो यस वाला अदरवाइज आपका चैनल हो जाएगा और अगर आप एक हो या मेरे तरह का टेक चैनल है या आपका कोई ऐसा चैनल है जो कि छोटे बच्चे देख ही नहीं सकते तो फिर आप नीचे आ जाओ नो सेट दिस चैनल एज नो नोट मेड फॉर किड्स आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट देट मेड फॉर किड ठीक है मेरा भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जो कि बच्चों के लिए बने तो इसलिए मैं भी अपने चैनल पर यही सिलेक्ट करूंगी देन नीचे आ जाता है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो ताकि कुछ वीडियो जो होती हैं समझ लें कि इस्लामिक चैनल है अगर वहाँ पर आप बच्चों को कोई तालीम दे रहे हो तो यस yes, दिस uh, वीडियो इज मेड फॉर किड्स ऐसा लिख दो और अगर आप कोई बड़े के लिए वीडियो बना रहे हो या कोई ऐसा मसला है इस्लामिक जो कि आप बच्चों को नहीं सुनाना चाहते हो तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे आप क्लिक क्लिक कर दो उस टाइम पे और ये बहुत ध्यान से आपको चूज करना पड़ेगा इस पर भी काफी ज्यादा चैनल जो है वो चैनलोनीटाइज कर देता है यूट्यूब अगर आपने ठीक ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया होता तो देन हमारे आ जाते हैं फीचर, है, फीचर एलिजिबिलिटी आ, एक तो है स्टैंडर्ड फीचर ये हमारा अनेबल ही होगा इंटरमीडिएट फीचर ये आपको नंबर वेरीफाई करना होगा और एक है आपका एडवांस फीचर ये आपका ऑटोमेटिकली दो से तीन महीने बाद ठीक हो जाएगा अदरवाइज इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अच्छा तो बेहतर तो यही रहेगा जो एडवांस फीचर है उसको आप खुद ही एलिजिबल होने दो उसके साथ ज्यादा चेढ़ानी मत ही करो नेक्स्ट हमारे पास है अपलोड डिफॉल्ट ये इसकी डिस्क्रिप्शन बस आप जो है वो रख लो एज अ डिफॉल्ट बाकी आपको न... इसके अलावा नेम टाइटल टैग्स वगैरह कोई और चीज आपको डिफॉल्ट रखने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिखा दूंगी लगाना भी और किस तरह से लिखनी है डिस्क्रिप्शन वो भी सिखा दूंगी बहुत सारे लोग होते हैं उनको डिस्क्रिप्शन लिखनी ही नहीं आती इसलिए उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता देन हमारी एडवांस सेटिंग है इसके अंदर आपने कोई भी चीज को आ, छेड़ना नहीं है ये जैसी की जैसी है इसको वैसे ही रहने दें फिर हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या चीज है हमारे पास परमिशन है यहाँ पर आप देख लो कि आप अकेले ही ओनर हो किसी को आपने मैनेजर वगैरह ये वो नहीं बनाना है जब तक कि आपको जरूरत ना हो ना ही किसी और को ओनर बनाना है यहाँ पर अकेले आपका ही जी और नाम होना चाहिए फिर आप देखोगे तो कम्युनिटी आ जाती है इसके ऑटोमेटिक डे फिल्टर को आपने नहीं छेड़ना उसको रहने दो और ना ही कहीं कोई और इसके अंदर ऑप्शन छेड़ने हैं आपने एग्रीमेंट्स के ऊपर जब आना है ना तो यहाँ पर ये यह देखिए लर्न मोर पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही तो ये जी होते हैं सारे एग्रीमेंट जो भी आपके टेक यूट्यूबर होते हैं जब आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको वो आंसर कैसे आते हैं उनको आंसर इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने ये जो आ, होते हैं ना एग्रीमेंट्स वगैरह ये पड़े होते हैं ये है मेन यूट्यूब का पेज आप स्पोर्ट गूगल डॉट कॉम पर भी अगर चले जाओ तो ये पेज जो है वो निकल आएगा यहाँ पर आपके आप यूट्यूब की तमाम अपडेट्स देख सकते हो यूट्यूब के तमाम रूल्स देख सकते हो YouTube से किस किस तरह कैसे कैसे फायदा उठाना है सब कुछ देख सकते हो इन शॉर्ट आपको YouTube से रिलेटेड हर आंसर इस पेज के ऊपर मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ अल्लाह हाफिज वीडियो को पूरा देखा करें कोई चीज छोड़ा ना करें और अगर कुछ समझना है तो कमेंट में पूछ लिया करें और साथ ही साथ आप रेडी हो जाए हमारे मजीद आने वाली क्लासेस के लिए क्योंकि हम और भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं अल्लाह हाफिज